तो शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। कैसे हैं आप लोग? आज है मेरा लगातार वीडियो अपलोड करने का कौन सा दिन बताओ 26वां दिन है आज मेरा लगातार वीडियो अपलोड करने का। कल मैं सहारनपुर से दिल्ली आया था। दिल्ली आकर मैंने सोचा कि आज भाई साहब मैं बाहर जाऊंगा, बढ़िया कुछ शूट करके आऊंगा, लेकिन मेरे प्लान पर पूरा का पूरा समुद्र फेरते हुए घर से बाहर ही नहीं निकला सुबह से। पहले तो थोड़ा बहुत काम कर रहा था मैं, दोपहर को फिर हम लोग डिसाइड करने लगे कि यार अब हमें ना शहर छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी ट्रिप पर गए हुए। हालांकि 1 से 1.5 महीना ही हुआ है, पर फिर भी हमारे लिए ना बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं कंसिडरिंग हम कितना ट्रेवल करते हैं। लेकिन फिर हम सोचने लगे कि यार हम कहां जाए ट्रेवल करते करते, उसी के दौरान हमारे दिमाग में एक बात आई कि यार जो हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ये प्लानिंग हमें लोगों को बतानी चाहिए कि कैसे आप बजट ट्रेवल कर सकते हैं? क्योंकि देखो अब हमें ट्रेवल करते हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं और हमारा ना एक तरीका है ट्रेवल करने का जिससे हम काफी पैसे बचा पाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही सारी चीजें प्लान करके चलते हैं कि भाई मैं सुबह उठूंगा, सुबह 6 बजे मैं ये वाली गाड़ी पकड़ूंगा, शाम को ये करूंगा और बिल्कुल फिक्स्ड उसी प्लान के साथ वो चलते रहते हैं पूरे उनके टूर की तरह। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम एक जगह डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अब उसे एक्सप्लोर करने में 1 दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं या फिर 20 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें एक्सप्लोर करते करते कितना मजा आ रहा है। इस बार जो हमने जगह चुनी है वो है लद्दाख। जिस वक्त हम लोगों ने ट्रेवल करना शुरू किया था उस वक्त हमारे मन में बहुत इच्छा थी कि यार हम लोग ना लद्दाख जाएं, पर फिर हम लोग हिमाचल चले गए, हिमाचल से उत्तराखंड चले गए, उत्तराखंड से नॉर्थ ईस्ट चले गए, सब जगह चले गए, पर अभी तक हम लोग लद्दाख नहीं गए हैं। अभी लद्दाख जाने का बहुत अच्छा मौसम आने भी वाला है 1-2 महीने में, लेकिन जब मौसम आता है उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। जो सबसे पहली चीज हम लोग करते हैं पैसे बचाने के लिए वो ये है कि हम देखते हैं कि किस मौसम में सबसे ज्यादा भीड़ आने वाली है। जैसे मान लो पहाड़ी में जाना चाहते हो और आप न्यू ईयर के टाइम पे जाना चाहते हो तो यार आपके पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग पहाड़ी एरिया में ही जाते हैं। आप अगर गर्मी में पहाड़ी एरिया में जाने की कोशिश करोगे तो यार उस वक्त हर दूसरा आदमी पहाड़ी एरिया में जाता है, पूरा NCR, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश सारा का सारा हिमाचल और उत्तराखंड पड़ा रहता है। यहां तक कि वीकेंड में आपको इतना ट्रैफिक मिलता है ना इन सड़कों पे कि आप जा भी नहीं सकते, शिमला मनाली तक भी नहीं जा सकते। कभी भी आप कोई भी टूर प्लान करो सबसे पहली चीज आप ये देख लो कि कौन सा सीजन चल रहा है और उसी के हिसाब से डिटरमाइन करो। जैसे अगर आप पहाड़ी एरिया को देखो तो सर्दियों में कम लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन सर्दियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है पहाड़ों की, अगर आप सर्दियां झेल पाओ तो। क्योंकि मैं ऐसी जगह भी गया हूं जहां पर अभी तक स्नोफॉल हो रही है। या फिर आप बदलाव वाले मौसम में जाने की कोशिश करो, जैसे सर्दियों से गर्मियां बदल रही हैं तो उस वक्त ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते। जैसे अभी मार्च से अप्रैल तक ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करेंगे, पर मई जून जुलाई से भीड़ एकदम बढ़ जाएगी, कार के ऊपर कार, आदमी के ऊपर आदमी। आपको तो पता ही है आदमी के ऊपर आदमी का क्या मतलब होता है, कल बताया था ना। बीचेस पे जाना है तो बीचेस में तो आपको देखो सर्दियों में जाना पड़ेगा, गर्मियों में आपकी हालत खराब हो जाएगी, पर फिर भी बीचेस में ज्यादा गर्मी नहीं रहती है। असल में जो बीचेस एरिया होते हैं ना वहाँ पे हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है। आप दोपहर में भले नहीं जा सकते वहाँ पर आप शाम के टाइम सुबह के टाइम बीचेस देखने जा सकते हो। अब आप सर्दियों में जाना चाहोगे ना बीचेस पे, दिसंबर जनवरी इनमें मत जाओ, या तो पीक सीजन से 15 दिन पहले जाओ या फिर पीक सीजन के 15 दिन बाद जाओ। उस वक्त क्या होता है ना कि डिमांड थोड़ी सी कम रहती है तो होटल्स के प्राइस थोड़े कम रहते हैं, एक्टिविटीज के प्राइस थोड़े कम रहते हैं, खाने पीने के प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं। जैसे अगर आप पीक सीजन में गोवा जैसी जगह जाने की कोशिश करोगे तो आपको 2000 की प्रॉपर्टी 5000-10000 रुपए में मिलेगी 1 दिन की, और वो भी आपकी किस्मत होगी कि आपको मिल जाए। इसलिए मेरी पहली टिप ये है कि जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करो तो आप पहले मौसम देख लो, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ आ भी रही होगी ना तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। भीड़ भाड़ वाला एरिया ही तो छोड़ के जाता है यार ट्रेवल करने। कौन आदमी दिल्ली आता है घूमने के लिए कि चल भाई साहब दिल्ली में भीड़ है वो देखने जाएंगे, भीड़ देखने कोई नहीं जाता है। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि जब भी आदमी ट्रेवल करता है उसका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मान लो आपको हिमाचल ही जाना है तो हिमाचल जाने के ना 4 से 5 तरीके हैं। ट्रेन बदल बदल के जा सकते हो, लग्जरी बस में जा सकते हो, HRTC की बसेस में जा सकते हो, आप HRTC की लग्जरी बसेस में जा सकते हो, कैब वगैरह हायर करके भी जा सकते हो, या फिर हिमाचल में एक भुंटर जगह है वहां पर एयरपोर्ट भी है तो आप दिल्ली से भुंटर फ्लाइट करके भी जा सकते हो। अगर तो आपको कहीं पे फ्लाइट से ट्रेवल करना है, जैसे मैं लद्दाख ही जा रहा हूँ, तो मान लीजिए आपका प्लान बनता है कि भाई मैं दिल्ली से ले जाऊंगा फ्लाइट से, तो फ्लाइट की टिकट ना थोड़ा सा पहले बुक कर लो, 15-20 दिन पहले। इससे क्या होता है ना कि फ्लाइट की टिकट थोड़ी सस्ती पड़ती है, और क्योंकि आप थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन सीजन में जा रहे हो तो आपको और भी सस्ती पड़ेंगी फ्लाइट टिकट, क्योंकि उस टाइम डिमांड थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करते करते जाने की कोशिश कर रहे हो, आपका मन है कि भाई मैं बाइक राइड करके जाऊं और बाइक इधर से रेंट करके जाऊं, आप जा सकते हो बाइक रेंट करके भी सब कुछ, लेकिन सीधा आप हिमाचल में घुसते ही रेंट मत करो बाइक। मान लीजिए आपको लद्दाख जाना है यहाँ से और आपका प्लान है कि भाई मैं बाइक ड्राइव करके जाना चाहता हूँ, और आपने पहला स्टॉप बनाया कि भाई पहले मैं मनाली रुकूंगा, मनाली को एक्सप्लोर करूंगा। मनाली पहुंचने के बाद आप 1 दिन के लिए बाइक हायर कर लो और 1 दिन में जो जो आपको जगह कवर करनी है वो कर लो। उसके बाद में अगर आपको लोकल साइट सीइंग करनी है तो आप वॉक करके ऐसे कवर कर सकते हो, क्योंकि जो बाइक का प्राइस होता है ना नॉमिनल 800-1000 रुपए पड़ता ही पड़ता है आपको 1 दिन का। उसके अलावा आपको पेट्रोल डलवाना है और आप
बाइक भी वहाँ पर आप नॉर्मल स्प्लेंडर वगैरह तो चलाओगे नहीं, आपको वहाँ पर मिलेगी बुलेट, रॉयल इनफील्ड या फिर हिमालयन ऐसी कोई बाइक मिलेगी तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, 1000-1200 रुपए ऐसे करके। फिर मान लीजिए आपका दूसरा स्टॉप होगा कि मनाली से मुझे सीधा ले पहुंचना है, मनाली से ले या फिर बस से चले जाइए, तब बस में जब ले पहुंच जाएंगे तो ले का पहले दिन आप लोकल साइट सीइंग कीजिए, आराम से थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाइए वहां पे जाके, क्योंकि थोड़ा एलिवेशन ज्यादा है वहां पे, वहां का एलिवेशन आपको 3000-4000 मीटर मिलेगा ऐसा। शुरू के एक दो दिन वहीं पे रहना ही है, तो एक दो दिन आप घूमो फिरो, घूम फिरने के बाद खूब पानी पियो। ये वैसे मैं एक टिप दे रहा हूँ, कभी भी पहाड़ी एरिया में जाओ ना खूब पानी पियो, पानी में ऑक्सीजन होता है जो कि एयर से आपको इतना नहीं मिलता, तो आपके शरीर को बहुत अच्छा लगता है। अब वहाँ जाके फिर एक दिन के लिए बाइक हायर करो, लोकल साइट सीइंग करो, आपको लगता है कि और करना है तो और बाइक हायर कर लो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए। अब देखो कि आपका अगला स्टॉप कौन सा है, फिर आप अगले स्टॉप पे जाओ, अगले स्टॉप पे जाके फिर सेम चीज़ करो। ऐसे ना बाइक रेंटल में भी पैसे बचा सकते हो। मान लीजिए आपने दिल्ली से बाइक रेंट की 30 दिन के लिए, तो आपका सीधा सीधा 30,000 हो जाएगा, छोड़ छोड़ के करेंगे तो आपके 30,000 15,000-12,000 तक भी हो सकते हैं। उसके बाद ना कुछ दुनिया में बहुत जाबाज लोग होते हैं मेरे जैसे, जो पूरा का पूरा बसेस में ट्रेवल करना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ से ले तक बस में जाऊंगा। आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ से ले तक बस भी चलती है, और वो बस ऐसी नहीं चलती कि यहाँ से लगातार ले तक चलती है, नहीं नहीं नहीं, उसका बाकायदा स्टॉप्स होते हैं। वो पहले यहाँ से जाएगी मनाली, और मनाली में फिर आपका ओवरनाइट स्टे होगा, फिर वो सुबह निकलेगी वहां से, एक जगह पड़ती है किलोंग, फिर किलोंग से वो अगले दिन जाएगी ले। तो ऐसे जाती है बसेज, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि उसका टिकट आपको 2,000-3,000 का मिल जाएगा, तो ये सबसे चीपेस्ट तरीका है। लेकिन मैं ये उनको रिकमेंड नहीं करूंगा जो पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हालत खस्ता हो जाएगी भाई साहब। थोड़ा सा अपनी हेल्थ कंफर्टेबल ट्रेवल करना है, थोड़ा सा चीप ट्रेवल करना है। सबसे पहले तो अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में जा रहे हो ना, तो आप होटल्स छोड़ दो, एयरबीएनबी छोड़ दो, जो हॉस्टल हॉस्टल सब कुछ छोड़ दो। सबसे पहले आप चेक करो होम स्टेज। एक तो होम स्टेज में आपको फूडिंग की सुविधा बहुत अच्छी मिलती है, होटल में आपको खाना इतना अच्छा नहीं मिलेगा, होम स्टे में आपको बहुत चीप एकोमोडेशन मिलती है, और आप उन लोगों के साथ रह पाते हो जिन्हें आप एक्चुअली देखना चाह रहे हो। मैं अभी पहाड़ों में गया था, मैंने वहाँ पे होमस्टे बुक किया, तो वहाँ पर मैं जिन लोगों के साथ रहा वो वहीं के नेटिव लोग हैं, वो जो आपको बात बता पाएंगे वो कोई और नहीं बता पाएगा। एयरबीएनबी वाला अपना घर बना के बाहर सेटल हो चुका है, होटल वाला बाहर से आके इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन होमस्टे वाले वहीं पे रह रहे हैं। अगर आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना होमस्टे, तब भी आप होमस्टे लो, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ की इकोनॉमी में फायदा देता है, वहाँ के लोकल लोगों की मदद होती है होमस्टेज में। फिर आपका सबसे चीप आता है जो हॉस्टल और हॉस्टल, फिर आता है आपका एयरबीएनबी, फिर आता है आपका होटल। होटल सबसे लास्ट में चेक करो आप, लेकिन हाँ होटल काफी कन्वीनियंट होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज को आप सस्ता कैसे पा सकते हो। आप कहीं भी जाओ, कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाओ। मान लो आपका प्लान है कि भाई मुझे शिमला जाना है, मान लो शिमला में अंधेरा हो जाता है 7-7:30 बजे, तो आप वहां पर 4-3 बजे तक पहुंच जाओ। उससे क्या होगा कि आपके पास 3 घंटे होंगे एक अच्छा सा स्टे ढूंढने के लिए। किसी भी रैंडम होटल में जाके बात करो, उनके रूम्स चेक करो, रूम अगर आपको सही लगे तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। अगर आपको ऑनलाइन किसी का प्राइस 2000 दिख रहा है ना, तो ऑफलाइन वही आप होटल या फिर रूम 800-900 रुपए तक में भी ले सकते हो। आप बस नेगोशिएट करने की कोशिश करो उनसे। एक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं चेरापुंजी में गया था, वहां पर एक रूम 5,000-5,500 का था, और मैंने वो 800 रुपए में बुक किया था, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि सर मैं बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे 70 दिन हो गए, 80 दिन हो गए से ट्रेवल करते, तो मैंने पर डे का बजट बना रखा है कि भाई मैं 800 रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो उस बंदे ने बोला ठीक है आप 800 रुपए दे दो। मैं उस रूम में 2 दिन रहा था, और वो बहुत ही तगड़ा रूम था। कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। बाकी देखो खाना एक ऐसी चीज है कि खाना आप खाओगे ही खाओगे, जो आपका मन करेगा। कहीं भी जा रहे हो ना, तो वहां का लोकल क्विजिन खाने की कोशिश करो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। आप साउथ इंडिया में जाके नॉर्थ इंडिया खाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो लोग उस चीज को बनाते नहीं है ना। मान लो आपको नारियल की चटनी अगर यूपी में चाहिए होगी, तो नारियल यूपी में कम होता है, नारियल कर्नाटका तमिलनाडु इधर ज्यादा होता है, इसलिए उधर नारियल की चटनी ज्यादा मिलती है, और नारियल की चटनी सस्ती मिलती है, तभी तो आप कल्चर भी एक्सप्लोर कर पाओगे। किसी जगह पे जाने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि भाई मैंने पहाड़ देखे, हाँ बढ़िया लगा, बस घर आ गए। वहां पे लोगों से बात करना, उनका खाना ट्राई करना, तभी तो आप जान पाओगे कि हमें और उनमें डिफरेंट क्या है, क्या ऐसी डिफिकल्टी है जो उनके जीवन में है, क्या ऐसी डिफिकल्टी है जो हमारे जीवन में है। तभी तो एक जो बाउंड्री बनी हुई है स्टेट्स की वो हटेगी। तो ये कुछ तरीके हैं पैसे बचाने के। बातों बातों में आज पूरा दिन हम लोगों ने ऐसे ही बता दिया, मैंने और श्वेता ने, क्योंकि हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। सच बताऊं तो हमने कुछ प्लान नहीं करा है, हमें बस इतना पता है कि भाई हमें वहां पे जाना है, फिर हम स्टेज वहीं पे जाके बुक करेंगे, अगर हमें बाइक रेंटल वगैरह चाहिए होगी तो वो वहीं पे जाके बुक करेंगे। तो हमने सुबह से लेकर शाम तक बात करके ये डिसाइड किया है कि हमें लद्दाख जाना है, जो कि हमारा पहले से डिसाइडेड था। सो मच फन टू बी यूट्यूबर। बाकी आज मेरा 26वां दिन है लगातार वीडियो अपलोड करने का, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि जब आप टेलीकॉम कंपनी से रिचार्ज कराते हैं तो 28 दिन का करते हैं, और उनके हिसाब से 28 दिन एक महीना होता है।
पर मेरे हिसाब से 30 दिन में ही होगा, एक महीना। अब बारी आती है कि कल से अब तक चैनल पर क्या हुआ। हमारे चैनल पर थे 5180 सब्सक्राइबर्स और आज हो चुके हैं 5184 सब्सक्राइबर्स। तो अगर उन 4 लोगों में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो यार थैंक यू। बाकी जो पुराने 5180 लोग हैं उनको भी थैंक यू, और जो आने वाले 1 मिलियन लोग हैं उनको भी थैंक यू, उसके बाद आने वाले जो 10 मिलियन लोग हैं उनको भी थैंक यू। एक बार आ जा, 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 जा। फिर मिलते हैं कल, कि भाई साहब भले जाओ यार।